बिजनू थाना बर्रा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी का खनन जोरों पर चल रहा है। बिजनू थाना क्षेत्र अंतर्गत ओरछी गांव कोरोना गांव में सरकारी जमीनों को खनन माफिया दीपक सिंह चंदेल व उनके कुछ अन्य साथी उन जमीनों पर अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। सब कुछ पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक अमला शांत बैठा हुआ है। क्षेत्र में जेसीबी व डंपर लगाकर खनन माफिया शासन के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खबर चलाने के बाद भी कार्रवाई न होने से खनन माफियाओं के हौसले बुलंदी पर हैं। शासन ने पूरे प्रदेश में अवैध रूप से हो रहे खनन पर रोक लगाई है। खनन के लिए शासन से आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रशासनिक अमले को दी गई है। इसके बाद भी खनन माफिया खुलेआम जेसीबी से डंपर ट्रॉली पर मिट्टी लादकर क्रय विक्रय कर रहे हैं। क्षेत्र के कई लोगों ने इस बात की शिकायत पुलिस प्रशासन से भी की, लेकिन खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने से उनके हौसले बुलंद हैं। अवैध रूप से खनन के बाद लदी मिट्टियां लेकर रोड पर चलने वाले ट्रैक्टर चालकों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि अक्सर हादसे भी होते हैं। इसके बाद भी इन अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता गुलाब शर्मा की खास रिपोर्ट। ये दीपक है, दीपक डॉन। दीपक डॉन कहाँ करेंगे वाले? ओरछी चंदेल। अच्छा, ओरछी चंदेल। कब से करा रहे हैं ये? उन्हें कम से कम ऐसे तीसरा साल हो चल रहा है। तीन साल से मतलब किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई करता है तो सांगे साथ ठाड़ हो जाते हैं आके ना। अच्छा, अच्छा ये बताओ, सांगे के शहर में चलता है? हाँ हाँ, और पूरा करो कर्म उसी को से चलता है। अच्छा, ये बताओ क्या नाम इसका जी? किस तरीके की जमीन खोदते हैं ये? सेन पश्चिम पारम लगती है, पूरा पारम लगती है ना। जमीनें कौन सी खोदते हैं? जीएस की सरकारी कौन सी? सरकारी है, सरकारी है जमीन पूरी। अच्छा, ये ग्राम समाज की जमीन जैसे छोटे छोटे प्लाट है, कोई किसी को माटी की जरूरत है उनको देते हैं। रात में खुदाई होती है। कितने बजे? दस बजे से दस बजे बारह बजे सुबह चार बजे तक चलते हैं। रात ही रात काम चलता है। रात ही रात काम चलता है। पुलिस का क्या रोल पता नहीं, जानकारी नहीं जाती है। पुलिस क्या आती है, अपन खर्चा लिया चली गयी, क्या कुछ नहीं। जब खुदाई करते तभी पुलिस आती होगी? आती ही नहीं, चाहे कोई फोन करता रहे, जब उसको पैसे मिल जाते हैं तो काम। कभी किसी ने गांव वासियों को फोन किया कि इस तरह? बहुत बार फोन हुआ। क्या जवाब मिला वहाँ से? क्या आए देखे सुने, उतनी देर का गाड़ी हटा दी इन्हें थोड़ी देर का, उसके बाद फिर काम चालू। अच्छा, यही होता है। बात होती तो दुष्कर सांगा जी के साथ किया। बस यही होता रहे।